हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन। और यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को मैंने कट कर लिया है। गाजर और बंधा गोभी को मैंने सेम क्वांटिटी में लिया है, 240 ml के कप से दो दो कप गाजर और बंधा गोभी दोनों लिया है। और भी अपने पसंद की मनचाही वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च 2 बड़ा चम्मच, अदरक 1 छोटा चम्मच, 4 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्न फ्लावर भी ले सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि बंधा गोभी पानी छोड़ता है इसलिए वो डो फॉर्म में आ जाएगा, फिर छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इस तरह से सारे मंचूरियन बॉल्स को मैंने तैयार कर लिया और धीमी आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे सारे बॉल्स क्रिस्पी बने। 7 से 8 मिनट आपको इसे धीमी आंच पे फ्राई करना है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप देख सकते हो हमारे क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स तैयार हो चुके हैं। 2 चम्मच तेल कढ़ाई में गर्म कर लें, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/4 बारीक कटा हुआ अदरक डालें, स्क्वायर शेप में कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च को डाल लें, टमाटो केचप और चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है। 1-2 हाथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद मुझे टमाटो सॉस थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने 1 कप के अराउंड पानी ऐड किया, नमक स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर घोल तैयार कर रही हूँ, उसमें मैं वेज मंचूरियन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 1 चम्मच ऐड किया, फिर 2 चम्मच ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जब ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा तो 1 हाथ से हमें स्लरी डालना है और 1 हाथ से स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। 2 मिर्च को मैंने बीच से काट लिया है और ग्रेवी में डाल देंगे ताकि हमारा ग्रेवी तीखा हो जाए। और ग्रेवी जब थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगा फ्रेंड्स, तब हमें सारे मंचूरियन बॉल्स ऐड कर देने हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने का वेट करें। उसके बाद लास्टली 1 चम्मच चीनी ऐड करें, वो टेस्ट को एनहांस करेगा। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सर्व करें। सर्व करने से थोड़े देर पहले ही मंचूरियन बॉल्स ग्रेवी में ऐड करें। प्याज और शिमला मिर्च को इसलिए ज़्यादा फ्राई नहीं किया ताकि उसका क्रंचीनेस बरकरार रहे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके मेरे स्टाइल में मंचूरियन ज़रूर बनाए। अगर रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।